नमस्कार बच्चों, आइए हम इस वीडियो के माध्यम से आज पाठ 3 गुठलियों के दाम, इस संपूर्ण पाठ के प्रश्नोत्तर एवं अभ्यास कार्य की चर्चा करेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने संपूर्ण पाठ का वाचन और फिर उसके कठिन शब्दों का अर्थ और संपूर्ण पाठ का अनुवाद यानी अर्थ, व्याख्या, एक्सप्लेन, ये चीज़ें समझें। साथ ही हमने ज्ञान कोश और शब्दार्थ के विषय में भी वीडियो के भाग 2 में चर्चा की थी, जो आपने अच्छी तरह से इनको लिख लिया होगा और याद कर लिया होगा। तो बच्चों, ये 6 वर्ड मीनिंग शब्दार्थ आपको आपने लिख लिए होंगे। अगर नहीं लिखे हैं तो एक बार फिर से इनको लिख लें। रियासत मीन्स राज, आसन मीन्स बैठने के लिए चौकी, सहित मीन्स साथ में, प्रसिद्ध मीन्स मशहूर, ठेठोली मीन्स मजाक और उपस्थित मीन्स हाजिर। तो बच्चों, ये शब्दार्थ हैं, इनको याद करना बहुत जरूरी है और लिखना भी जरूरी है। आइए बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। और आज बुक में दिए गए संपूर्ण अभ्यास कार्य और प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से हम पाठ 3 को आज विश्राम देंगे, यानी उसको पूर्ण करेंगे, खत्म कर देंगे आज पाठ 3 को। बच्चों, फिर अगले वीडियो में हम पाठ 4 की चर्चा करेंगे। तो आइए बच्चों, अभ्यास कार्य की ओर बढ़ते हैं। पहला अभ्यास कार्य हमारा मौखिक प्रश्न। बच्चों, नंबर का में नंबर 1 अभ्यास कार्य है, मौखिक प्रश्न लिखा है। नीचे दिए गए प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। मौखिक मीन्स बोल कर, लेकिन यहाँ आपको अपनी कॉपी में इनको लिखना है, क्योंकि ये भी आपके टेस्ट में जरूर आएंगे। तो इनको भी कॉपी में लिख लीजिए और जिस तरह से मैंने इनके आंसर लिखवाए हैं उसी तरह से आंसर भी कॉपी में लिखेंगे, प्रश्न लिखेंगे, फिर उसका आंसर लिखेंगे और उनको याद करेंगे। तो बच्चों, पहला प्रश्न है हमारा का नंबर कि महामंत्री मतिराम किस तरह के व्यक्ति थे। महामंत्री मतिराम किस तरह के व्यक्ति थे? तो बच्चों, इसका उत्तर मैंने लिखा है, इसी तरह से आपको कॉपी में लिखना है। तो बच्चों, उत्तर इस तरह से लिखना है, आप देख रहे हैं पेंसिल से मैंने लिखा है। नंबर 1, नंबर का उत्तर है कि महामंत्री मतिराम बीरबल की तरह चतुर एवं समझदार व्यक्ति थे। इस तरह से आपको पहले प्रश्न का उत्तर लिखना है, जो है पहला प्रश्न है कि महामंत्री मतिराम किस तरह के व्यक्ति थे। अब बच्चों, दूसरा प्रश्न है हमारा, दूसरा प्रश्न है कि महाराज ने किसे आम खाने को कहा। महाराज ने किसे आम खाने को कहा? खा नंबर आप देख रहे हैं, तो खा नंबर उत्तर है हमारा, यहाँ हम देख रहे हैं नंबर 2 में लिखा है, महामंत्री मतिराम को। महाराज ने महामंत्री मतिराम को आम खाने को कहा। इस तरह से बच्चों, तीसरा प्रश्न है हमारा गा नंबर। गा नंबर में प्रश्न है कि महाराज के लिए माली ने क्या किया। अब हम देखते हैं यहाँ नंबर 3 में, तो बच्चों ध्यान से देखिएगा इसका उत्तर कि महाराज के, यहाँ से लिखना है आपको तीसरे प्रश्न का उत्तर, महाराज के खाने के लिए माली बड़े बड़े एवं मीठे आम तोड़कर एवं उन्हें धो पोंछकर थाल में सजाकर ले आया। तो इस तरह से हमें गा नंबर का उत्तर लिखना है। अब हमारा घा नंबर प्रश्न है, आगे बढ़ेंगे हम।
अंत में, घा नंबर अंत में महामंत्री ने राजा से क्या कहा। अब हम उत्तर देखते हैं कि अंत में, यहां से लिखना है बच्चों घा नंबर का, अंत में महामंत्री ने राजा से कहा कि इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। इस तरह से हमें जो है ये उत्तर जो है लिखने हैं सभी मौखिक प्रश्नों के, और इन्हें अच्छी तरह से याद करना है। ये चारों प्रश्न के उत्तर मैंने क्रम से लिख दिए हैं, नंबर एक का, नंबर दो का, नंबर तीन का, नंबर चार का। इस तरह से आप भी जो है आप अपनी कॉपी में इनको लिख करके फिर आप इनको अच्छी तरह से याद करेंगे, आगे बढ़ेंगे बच्चों। दूसरा अभ्यास कार्य है सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। बच्चों यहाँ चार शब्द दिए गए हैं, मुद्राएं, थाल, आम और बगीचे। तो नंबर का में दिया गया है कि महाराज अपने शाही में टहल रहे थे। अपने शाही किस में टहल रहे थे? बगीचे में। नंबर जो नंबर चार ऑप्शन है उस पे हम पहला नंबर लिखेंगे और उसको यहाँ फिल करेंगे। फिर हम नंबर खा में देखेंगे, महामंत्री ने तुरंत माली को लाने के लिए इशारा किया। क्या लाने के लिए इशारा किया? तो हमने लिखा है आम, और यहाँ नंबर दो। फिर गा में है, आपका तो पूरा खाली पड़ा है। क्या खाली पड़ा है? महाराज ने क्या कहा था कि आपका तो पूरा थाल खाली पड़ा है। नंबर तीन ऑप्शन, नंबर दो ऑप्शन है ये, नंबर तीन पे फिल किया जाएगा। महाराज ने मतीराम को 100 स्वर्ण क्या दी? इनाम में मुद्राएं। तो पहला ऑप्शन में हम नंबर चार लिखेंगे और यहाँ मुद्राएं फिल कर देंगे। इस तरह से बच्चों हम इस अभ्यास कार्य को पूर्ण करेंगे, ठीक है बच्चों। फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब बच्चों बारी है प्रश्नोत्तर की, ये भी आपको कॉपी में करना है और इसे जो है लिख करके अच्छी तरह याद करना है। तो पहला आपका नंबर तीन में है, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। बच्चों हमें उत्तर लिखना है, संक्षिप्त लिखना है, मतलब संक्षिप्त मीन्स ज़्यादा बड़ा ना हो और ज़्यादा छोटा भी ना हो, संक्षिप्त उत्तर देना है एक या दो लाइन में। प्रश्न है, राजा और महामंत्री क्या कर रहे थे? तो बच्चों पाठ के शुरू में ही ये दिया गया है कि राजा और महामंत्री अपने शाही बगीचे में टहल रहे थे। राजा और महामंत्री अपने शाही बगीचे में टहल रहे थे। तो इस तरह से बच्चों ये पहले प्रश्न का उत्तर ध्यान से देखिएगा और इनको लिखना आवश्यक है, शब्दार्थ, मौखिक प्रश्न और प्रश्नोत्तर। और यदि एक दो शब्द उत्तर हैं, वन वर्ड आंसर, तो वो भी आपको लिखने होंगे। यदि नहीं है तो कोई बात नहीं। अब खा नंबर में देखेंगे आप कि राजा आम खाकर छिलके और गुठलियाँ कहाँ रख रहे थे? राजा साहब जब मंत्री के साथ आम खा रहे थे तो वो आम के छिलके और गुठलियाँ कहाँ रख रहे थे? बड़ा ही आसान उत्तर है बच्चों, हमें तुरंत दिमाग में आ गया होगा, हमारे मन में आ गया होगा कि इसका उत्तर क्या है। तो आइए देखते हैं क्या लिखना है कि राजा आम खाकर छिलके और गुठलियाँ मतीराम यानी महामंत्री मतीराम के थाल में रख रहे थे, ठीक है बच्चों। राजा साहब जो है आम खाकर वो छिलके और गुठलियाँ महामंत्री मतीराम के थाल में रख रहे थे। तो इस तरह से ये हमारा दूसरा प्रश्न रहा। अब हम आगे बढ़ेंगे।
तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है हमारा गा नंबर कि महामंत्री की बात सुनकर राजा ने क्या किया। महामंत्री की बात सुनकर राजा ने क्या किया। बच्चों जब राजा ने महामंत्री को कहा कि इस मुकदमे का इस विवाद का फैसला आप ही करें, तो महामंत्री ने राजा की बात सुनी और एक दो दिन की मोहलत लेकर के पहले उस मामले की जांच की और फिर उसका सही जो है फैसला किया। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है कि महामंत्री प्रश्न है कि महामंत्री की बात सुनकर राजा ने क्या किया। तो हमें लिखना है कि महामंत्री की बात सुनकर राजा ने 100 स्वर्ण मुद्राएं सोने के सिक्के अपने मंत्री को इनाम में दी। महामंत्री की बात सुनकर राजा ने 100 स्वर्ण मुद्राएं मंत्री को इनाम में दी। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये नंबर गा प्रश्न का उत्तर रहा। अब हम आगे बढ़ेंगे। अगला अभ्यास कार्य है हमारा सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। तो नंबर का में है कि राजा की रियासत कौन से पर्वत के पास थी। राजा की रियासत मतलब राजा जो जहाँ रहता था, जो राज्य था उसका, वो किस पर्वत के पास में था। तो बच्चों यहाँ ऑप्शन दिए गए हिमगिरी पर्वत, गोवर्धन पर्वत, नीलगिरी पर्वत और हिमालय पर्वत। तो बच्चों यहाँ हमने पढ़ा था कि नीलगिरी पर्वत के पास वो रियासत थी राजा की। फिर नंबर दो में है कि राजा व मंत्री कौन से मौसम में आम खा रहे थे। तो राजा व मंत्री कौन से मौसम में आम खा रहे थे, कौन सा मौसम था बच्चों, सर्दी का था, पतझड़ का था, या गर्मी का था, या बसंत का था। तो बच्चों हम ये देख रहे हैं यहाँ चार ऑप्शन है। तो बच्चों अब आप ही बताइए कि आम किस मौसम में आते हैं। तो बच्चों आप देख रहे होंगे कि अब धीरे धीरे आम आने शुरू हुए हैं और गर्मी का मौसम भी शुरू हो गया है। तो राजा साहब भी जो है बगीचे में टहल रहे थे और ताज़े आम जो है वो माली के द्वारा लाए गए थे तो उन्हें खा रहे थे। तो बच्चों हम यहाँ आंसर लिखेंगे कि गर्मी में। ठीक है बच्चों, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इस तरह से हमारे यहाँ तक जो है अभ्यास कार्य कंप्लीट हुए। नंबर चार अभ्यास कार्य हैं यहाँ पर। अब हम आगे बढ़ेंगे भाषा ज्ञान की तरफ। तो भाषा ज्ञान में लिखा गया है कि नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। वाक्यांश मतलब कि कई शब्दों के लिए एक शब्द। तो बच्चों पहला है कि जो लकड़ी की चीज़ें बनाता हो उसे हम क्या कहते हैं। लकड़ी का सामान वस्तुएं बनाने वाला व्यक्ति, फर्नीचर बनाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, बढ़ई। फिर जो बाग की देखभाल करता है वो क्या कहलाता है, माली। जो गांव में रहता हो उसे बच्चों क्या कहते हैं, ग्रामीण। और जो राज्य पर राज्य करता हो उसे क्या कहते हैं, राजा। इस तरह से हमारा ये अभ्यास कर, ये बच्चों वाक्यांश हैं। जो लकड़ी की चीज़ें बनाता हो यानी जो लकड़ी का काम करता है उसे बढ़ई कहते हैं। जो बागों की देखभाल करता है
पेड़ पौधे लगाता है, उनको पानी देता है, उसको कहते हैं माली। जो गांव में रहते हैं लोग उनको हम क्या कहते हैं? ग्रामीण। जो शहर में रहते हैं उनको क्या कहते हैं? शहरी। और जो राज्य पर राज करता हो, जो एक राज्य पे राज करता हो, उसे उस राज्य का क्या कहते हैं? राजा। इस तरह से हमारा ये अभ्यास कार्य 4 नंबर का हमने जो है उसको पढ़ा समझा। फिर आगे बढ़ेंगे। नीचे दिए गए वर्णों को जोड़कर सही शब्द बनाइए। बच्चों ये वर्ण विच्छेद की बात रही, आपने हिंदी ग्रामर में वर्ण विचार पाठ पढ़ा है, उसमें हमने आपको ये बताया। अगर नहीं बताया तो आगे भी बताएंगे। अभी आप यहाँ ध्यान से देखेंगे बच्चों, हमें अच्छी तरह पता है कि व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन जो है उस हर व्यंजन में, यानी व्यंजन का मतलब क ख ग घ अंगा से ज्ञ तक, उस व्यंजन में एक स्वर जरूर मिक्स होता है। तो बच्चों यहाँ लिखा है ना, इसका मतलब आधा ना, फिर या, फिर बड़े या की मात्रा, फिर आधा या, फिर आ, यानी ये पूरा या, पूरा या बन गया। तो ये आधा ना और या में डंडा, न्या ये न्याय। तो बच्चों ये न्याय हो गया। ये लिखा है आधा वा रे, आधा का और आधा षटकोण वाला सा और आ, क्या हो गया? वृक्ष से वृक्ष, का और सा से, का और सा षटकोण वाले सा से छा बनता है, और आ जो है स्वर उसमें मिक्स है, तो वृक्ष। फिर रा बड़ा, जा बड़ा, राजा। फिर बा में छोटी उ की मात्रा, दा आधा दा, धा और छोटी बुद्धि। इस तरह से हम इस अभ्यास कार्य को करेंगे। फिर आगे देखेंगे। जिन शब्दों से काम करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। नंबर 7 में तो नीचे दिए गए शब्दों में से क्रिया शब्द छांट कर सामने लिखिए। बच्चों क्रिया शब्द छांटने हैं तो खाना, कपड़ा, हंसना, रस्सी। तो हमें इन 2 शब्दों से, खाना और हंसना से, पता चल रहा है कि खा रहे हैं और यहाँ हंस रहे हैं। और कपड़ा और रस्सी ये संज्ञा शब्द हैं। तो फिर बच्चों यहाँ 4 शब्द दिए गए, तोड़ना, पानी, पेड़, घूमना। तो यहाँ तोड़ना यानी तोड़ रहा है, तो और यहाँ घूम रहा है, तो 2 शब्द यहाँ क्रिया है, तोड़ना और घूमना। तो यहाँ हमने वैसे यहाँ खाना, हंसना, यहाँ तोड़ना और घूमना। फिर हम देखेंगे यहाँ गा नंबर में दौड़ना, धोना, दूध, बाजार। तो यहाँ दौड़ना और धोना 2 शब्द क्रिया शब्द हैं, दौड़ना और धोना। यहाँ पुस्तक, नाचना, सोना, खिलौना। तो नाचना और खिलौ नाचना और सोना ये क्रिया शब्द हैं। नाचना और सोना, नाचना और सोना। अगला है बच्चों कुछ नया कीजिए। ये आपका रचनात्मक कार्य है, एक्टिविटीज हैं। बच्चों पहले में गर्मी के मौसम में आम के अलावा और कौन कौन से फल आते हैं अपनी कॉपी में लिखिए। तो बच्चों गर्मियों के मौसम में तरबूज, ये आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं फल। तरबूज, खरबूजा, अंगूर, अनार और लीची। इस तरह से ये सब, ये फल जो है गर्मियों के मौसम में आम के अलावा और आते हैं। फिर दूसरा है बच्चों कि अपनी पसंद के किन्हीं 4 फलों के नाम लिखिए, जो आपको अच्छे लगते हो सबसे ज्यादा, उन 4 फलों के नाम लिखने हैं अपनी कॉपी में। तो बच्चों इस तरह से ये आपका, ये आपके रचनात्मक कार्य रहे। और सभी अभ्यास कार्य हमने पूर्ण किए इस वीडियो के माध्यम से। अब आपका जो है ये पाठ पूर्ण होता है। अगले पाठ लेसन 4 में हम ये आपका
कविता दी गई सर्दी आई, इस कविता की कविता का अध्ययन करेंगे, वाचन करेंगे। तो बच्चों इसमें जितना भी इस पाठ में हमने आपको गुठलियों के दाम जो भी करवाया है और जो भी लिखने को कहा है उसको जरूर लिखिए और अच्छी तरह याद करिए। अगले वीडियो में बच्चों हम फिर एक बार आएंगे, नंबर 4 पाठ लेकर, सर्दी आई। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार, जय हिंद।